वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ अबाउट हाउ टू फाइंड योर रेंटल एकोमोडेशन इन नैदरलैंड्स यहाँ पे मैं छोटी छोटी टिप्स आप, आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से आपको बताऊंगी तो लेट्स विद द वीडियो यहाँ पे मैं पहली चीज़ जो है आपको बताना चाहूंगी पहला जो टिप है वो आपको देना चाहूंगी कि आप लोग जब जब भी यहाँ पे आए तो अपना पहला मंथ का एकोमोडेशन आप लोग बुक ही करके आए क्योंकि आपको वन मंथ से पहले यहाँ पे बिल्कुल ही आपको घर नहीं मिले मैंने जैसे कि अपने पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हम लोग को जैसे हम लोग फिफ्टीन डेज का ही बुक करके आए थे जिससे हमको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आया और हम लोगों ने जो पहला घर मिला वो ले लिया So, ये आप आप लोग बिल्कुल ही अवॉइड करें और अपने हिसाब से चूज करके घर लें ठीक है तो आप लोग पहला मंथ का पूरा मंथ का एकोमोडेशन बुक करके आए मैं आपको जरूर पड़ता है तो आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं जो मैं तो, आपको बताना चाहूंगी वो है आप जिस दिन यहाँ पे लैंड हो उसी दिन आप एक डच सिम कार्ड लें एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द न्यू हाउसेज रिसेंट है जो आपको uh, मतलब पूरा रिसेंट हाउसेज है उनको ही अप्लाई कीजिए क्योंकि थोड़ा सा आप पुराने पे अप्लाई करेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी लोग व्यू करने के लिए जा चुके होंगे ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस होगा तो आप लोग उस पर अप्लाई मत जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी uh, वो है आप डिसाइड uh, कर लीजिए कि आपको कौन सी सिटी के पास में रहना है आपको उतरत में रहना है या फिर आपको रोटरडैम डैम डेन हाँ फिर कहाँ पे रहना है वो आप डिसाइड कर लीजिए जैसे कि आपका ऑफिस कहीं पे है तो आप उसी एरिया में चेक कीजिए वन बी के चाहिए टू बी के चाहिए या फिर आपका जो लाइक uh, प्रायोरिटीज़ like, क्या क्या है आपको मार्केट के पूरा पास में चाहिए या फिर फाइव टू टेन मिनट्स वॉकिंग में आप ओके okay हो अगर आपका घर मार्केट से थोड़ा दूर भी है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा कि आप लोग चल के जाके कुछ ला नहीं सकते है क्योंकि यहां पे मतलब जितना भी नेसेसिटी का सामान फिर आपका जो ग्रोसरी स्टोर है वो मतलब आसपास तो होगा हो ही होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है तो लोग चेक कर सकते हैं कि आपको आम, मतलब आपके घर के पास में बस स्टॉप मेट्रो स्टॉप या फिर ट्रैम का स्टॉप वो कितने डिस्टेंस पे है तो बजट तय तो कीजिए और बजट से थोड़ा सा मतलब अगर आपका फिफ्टीन हंड्रेड बजट है तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए भी रेडी रहिए क्योंकि आजकल जो है ये जो रेंटल मार्केट है यहाँ पे काफी क्रेजी है एंड काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं ये रेंटल प्राइस this. तो ये था मेरा नेक्स्ट टिप और सारे जो वेबसाइट के लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूंगी चेक आप लोग तो सब चेक कर लेना तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ जैसे कि फंडा डॉट एनएल पैरियर्स डॉट एन एल एंड हॉल टू स्टे वेस्टडा करके एक है हाउसिंग एनीवेयर डॉट कॉम ये सारे हैं तो आप लोग यहाँ सारे जो वेबसाइट है अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली अपना आपको कौन सा बी के चाहिए एरिया क्या है कितने किलोमीटर्स के अंदर चाहिए उससे अलर्ट सेट कीजिए जैसे कि कोई भी अगर नया प्रॉपर्टी आए तो आपको अलर्ट आए ताकि आप जान सकें कि नया प्रॉपर्टी आया एंड रजिस्टर रजिस्टर कर लीजिए व्यूइंग के लिए अभी भी अवेलेबल हो व्यूइंग के लिए आप लोग तुरंत ही जाएं एंड व्यूइंग करें नेक्स्ट जो टिप मेरा है वो मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट जो है रेंटल एजेंसीज हैं उनके साथ रजिस्टर कर लें बहुत सारे रेंटल एजेंसीज हैं मतलब एरिया स्पेसिफिक है तो रेंटल एजेंसी के में नाम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में मेंशन कर दूंगी क्योंकि मैं वीडियो में किसी पर्टिकुलर एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहती हूं तो ये सारे जो वेबसाइट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं उनके साथ डिरेक्ट रजिस्टर करके आप वहां से भी व्यूइंग के लिए बुक कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रेंटल एजेंसीज है एंड ये लोग मतलब चार्ज नहीं करते एंड कुछ कुछ है जो कि चार्ज करते हैं तो आप ये क्लियर कर लें कि ये चार्जेबल है कि नहीं है तो ये पहले से आप बात कर लीजिए ठीक है तो उसके साथ ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी आप लोग जाके फेसबुक मार्केट प्लेट से वहां पे आप लोग मतलब जो घर की रेंटल एकोमोडेशन के लिए होते हैं वहां पे चेक कीजिए फेसबुक ग्रुप्स है बहुत सारे आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिए वहाँ पे अगर कोई एड डालता है तो वहां पर आप लोग बात कर सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि एरिया स्पेसिफिक ग्रुप्स भी है आपको कोई अगर स्पेसिफिक एरिया पे घर चाहिए तो वहाँ पे जाके आप लोग आ, मतलब ऐसे डाल सकते हैं कि आई नीड ए रेंटलोडेशन तो वहाँ पे भी लो, लोग लोग अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी एंड थोड़ा सा आप, आपको लाइक केयरफुल रहना है आ, विद द स्कैम्स ऑल्सो तो ये हो गया तो मेरा चीज है वो मैं आपको बताऊंगी आपका व्यूइंग भी हो गया आपने बहुत सारे व्यूइंग किए बट यहाँ पे ऐसा है कि एक व्यू करने एक एक व्यूइंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं तो आपको व्यूइंग करके आने के बाद तुरंत ही आपको मेल करना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए तो आप तुरंत ही मेल करो कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी और यहाँ पे ऐसा रहता है कि सैलरी जो है वो रेंटल प्राइसिस का इंटू थ्री होना चाहिए इंटू थ्री या फिर इंटू फोर ऐसे कुछ होना चाहिए तो ये वहाँ पे मेंशन करके रखते हैं कि सैलरी शुड बी दिस तो आप वो चेक कर लें एंड uh, आप uh, अगर इंटरेस्टेड uh, हैं जिस प्रॉपर्टी में वहां पे आप मेंशन भी करें कि माई लाइक माई सैलरी इज मीटिंग टू द एक्सपेक्टेशन सो आई नीड टू बुक दिस प्रॉपर्टी सब डिपेंड करता है रेंटल एजेंसी पे या फिर आपका जो अगर आपका लैंड लॉर्ड है उस पे आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है यहाँ पे लिखना पड़ता है तो आप कहाँ से आए हैं अगर आप बाहर से मूव हुए हैं या फिर यहाँ पे रेंटल एकोपिटेशन सर्च कर रहे हैं ये सारे चीजें आपको लाइक एक छोटा सा प्रोफाइल आपको बना के लिखना पड़ेगा तो हमने भी पहले जब हम लोग मूव हुए थे तो हम, हमको तो लगा कि जॉब के लिए भी इतना ये नहीं होता है जितना घर के लिए करना पड़ रहा है तो फिर इट्स ओके यहाँ पे सब करते हैं तो हमको भी करना पड़ेगा और लॉटरी पे आपका नंबर निकला है देन वो लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हो टू रेंट दिस प्रॉपर्टी एंड उसके बाद जो है आपको अपना सैलरी स्लिप हो गया एंड और अगर आपको आप नए मतलब यहाँ पे मूव हुए हो तो आपको अपना जो है ऑफर लेटर वो आपको दिखाना पड़ेगा टू द रेंटल एजेंसी और टू द ओनर जो भी है जिसके साथ आपका कॉन्टेक्ट चल रहा है बातचीत चल रहा है आप उसको वो सब सारे जो चीज़ें हैं वो आप उन, मेल करेंगे उनको आप सिलेक्ट हो गए को घर रेंटल अकोमोडेशन लेने के लिए तो आप उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस वो लोग आपको मेल करेंगे रेंटल एग्रीमेंट या फिर आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो लोग आपको रेंटल एग्रीमेंट सेंड करेंगे एंड उसको आपको बहुत ही जल्द साइन करके भेजना पड़ता है तो मैं अपने केस में बता रही हूँ हम लोग को उसने ट्वेंटी आवर्स का भी या फिर उससे कम का ही लाइक like टाइम दिया था अगर आप मना कर देंगे तो वो नेक्स्ट जो अप्लीकेंट्स होंगे या फिर नेक्स्ट जो व्यू करके गएंगे गए होंगे या फिर किसी को भी वो लोग दे सकते हैं प्रॉपरली आप रेंटल एग्रीमेंट को पढ़ें एंड यहाँ पे वन मंथ का डिपॉजिट लेते हैं एंड जो रेंट जाता है वो एडवांस में जाता है तो ये सोच के आप अपने साथ जो है बैलेंस अगर आप बाहर से मूव हो रहे हैं तो इंडिया से मूव हो रहे हैं तो अपने साथ उतना कैश या फिर मतलब कार्ड में आप उतना कैश लेके आए क्योंकि पहले मंथ में आपको सैलरी नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे इतना अमाउंट uh, जो है uh, यहाँ पे पे करना पड़ेगा ठीक है तो ऑलमोस्ट आपको टू मंथ्स का uh, मतलब रेंट जो है वो देना पड़ेगा बिफोर मूविंग टू द हाउस ओके बताने वाली हूँ वो है टेक पिक्चर्स ऑफ द प्रॉपर्टी कैसा घर है और अगर फर्निश्ड घर है तो uh, क्या क्या सामान क्या क्या सामान दिया है तो वो मैंशन नहीं होगा बट किस कंडीशन में दिया है और, uh, कुछ uh, मतलब स्क्रैच है कुछ टीयर है या फिर कुछ है सबका आप वीडियो बना के रखें और पिक्चर्स लेके रखें ताकि ये आपको फ्यूचर में जब आप घर छोड़ के जाएंगे तो ये आपको हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि छोटे मोटे स्क्रैचेस और छोटे मोटे कुछ रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये लोग प्राइस जो है वो डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द डिपॉजिट पॉइंट्स अगर मैंने मिस कर दिया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विलो और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आते आके ऑलमोस्ट वन ईयर हो गया है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट हम बुक मतलब देखना स्टार्ट करें तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं और मैं नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कहीं व्यूइंग पे जाती हूँ तो उसका वीडियो भी बनाऊंगी पूरा प्रोसेस जो है मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी तो फिर वीडियो आप लोग को पसंद आया अगर आपको ये हेल्पफुल हुआ है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स मिलती हूँ बाय